आज हम बनाने वाले हैं भटूरे। ये मैंने दो कटोरी मैदा ले लिया है, मैंने ये वाली कटोरी दो मैदा लिया है। इसमें हम डालेंगे दही, 1.5 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे। 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें रिफाइंड ऑयल, ये हमने कटोरी में रिफाइंड ऑयल निकाल लिया है, ये इसमें हम डाल देंगे। अब इसको हम नॉर्मल पानी से आटे को गूंथ लेंगे। पहले हम इसमें दही और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छे से गूंथ लेंगे। इसका मुलायम आटा हमने गूंथ लिया है, सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल आटा। इसको 15 मिनट हम ढक के रख देंगे। इसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा आटा रेडी हो गया है। आटा हमारा इस तरह से खींचना चाहिए, तभी हमारे भटूरे सॉफ्ट और फूले फूले बनेंगे। तेल चढ़ा दिया है हाई फ्लेम पे, गरम होने तक का वेट करेंगे। भटूरे को हमने अच्छे से बेल लिया है, देखो हमारा भटूरा कितने अच्छे से फूल चुका है ना? रेडी है हमारे बाजार जैसे छोले भटूरे। कितना सॉफ्ट बना हमारा भटूरा, चलो बंद कर दो।